का उत्सव है, क्या क्या चल रहा है, सीधी तस्वीरें अयोध्या की आपको दिखाते हैं। हनुमानगढ़ी से लेकर सरयू किनारा तक इस समय तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से लखनऊ के लिए निकल चुके हैं। एक घंटे के बाद प्रधानमंत्री लखनऊ पहुंचेंगे। बड़ी अपडेट आपको बता दें, सीधे अयोध्या जाएंगे लखनऊ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ ही मिनट पहले प्रधानमंत्री दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। एक घंटे बाद लखनऊ पहुंचेंगे, लखनऊ से सीधा अयोध्या और अयोध्या से सीधा अयोध्या के हनुमानगढ़ी सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। एक घंटे के बाद अगले लखनऊ पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री। इस समय की बड़ी अपडेट आपको बता दें, राम मंदिर के अंदर इस समय निर्माण के लिए राम मंदिर के अयोध्या के अंदर जो तैयारी चल रही है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का जो समय है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री एक घंटे के बाद लखनऊ पहुंचेंगे और लखनऊ के बाद सीधा अयोध्या के लिए निकलेंगे। अयोध्या में भी लगभग 11:30 बजे प्रधानमंत्री के पहुंचने का समय है। उससे पहले योगी आदित्यनाथ कुछ देर बाद अयोध्या पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। एक घंटे का सफर, उसके बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे। उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार, डीजी लॉ एंड ऑर्डर, इस समय सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, क्या क्या तैयारियां हैं, हर चीज पर पैनी नजर इस समय उत्तर प्रदेश की पुलिस की है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार इस समय आपको नजदीक नजर आ रहे हैं, रामलला के उस परिसर में पहुंचे हुए। सुबह सुबह नमन भी, हनुमानगढ़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह हनुमान जी को नमन भी और तैयारियों का नजारा भी। देखिए जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है खुद चाहते हैं कि इस पल को कभी भूल ना पाए तो कैमरे में कैद कर लिया जाए। ये अयोध्या की अलग अलग जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और एसपीजी के जिम्मे आज अयोध्या है और अयोध्या के हर जगह पर आपको कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आएगी जहां चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी एसपीजी नजर आएगी। बहुत कम लोगों को इसके लिए आमंत्रित किया गया है और उस प्रोटोकॉल के तहत अयोध्यावासी हालांकि घर के अंदर रहेंगे लेकिन इस कार्यक्रम को वो देख पाएंगे। बड़ी बड़ी एलईडी उन परिसर के आसपास लगा दी गई है। रामलला से लेकर हनुमानगढ़ी दोनों ही जगह पर साधु संत इस समय उत्सुकता से नजर गड़ाए हुए हैं कि यहां प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उस कार्यक्रम का आगाज करेंगे जिसमें भूमि पूजन होना है। कुछ मिनटों का मुहूर्त पर यह कार्यक्रम है लेकिन इसकी कई दिनों की तैयारियों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना अद्भुत सजावट आज अयोध्या में की गई है, रामलला में की गई है जहां पर उस समय मूर्ति राम की रखी हुई है और साथ ही साथ हनुमानगढ़ी जहां प्रधानमंत्री सबसे पहले पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम की पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से हो, चाहे वहां की तैयारियों के लिहाज से हो, वहां जो विशेष कार्यक्रम परिसर में है वहां किस तरह की व्यवस्था है, कौन कौन मंच पर रहेगा, किस तरीके से अलग अलग जगहों से पवित्र नदियों का जल, मिट्टी, यहां तक कि खास तरह के लड्डू, अयोध्या का रंग पीला क्यों, सारी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अयोध्या की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। रामलला से लेकर हनुमानगढ़ी तक किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की सजावट है, किस तरह उत्सव की तरह अयोध्या तैयार है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर है जो दिल्ली से रवाना होते हुए सामने आई है। प्रधानमंत्री दिल्ली से लखनऊ के लिए निकले तो ये तस्वीर देखिए आप, इस समय एक खास तरह की पोशाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहनी है जो अयोध्या के अंदर है, परिसर के अंदर है रामलला के। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली से निकले तो ये तस्वीर सामने आई थी, एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं अब से कुछ देर पहले की है। कुछ ही मिनट पहले प्रधानमंत्री दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं। आज खास मौका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी, देश और दुनिया के अंदर राम में आस्था रखने वाले लोगों के लिए भी। और सीधा आपको अयोध्या लिए चलते हैं जहां इस समय हमारे सहयोगी राजवीर सिंह राम की पैड़ी से सीधा आपको तस्वीरें दिखाएंगे, वहां की जानकारी लेंगे और खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शक्ति शशिकांत जी हैं, तिवारी जी इस समय बीजेपी से, अंशु अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजवीर, क्या राम की पैड़ी पर क्या इस समय तैयारियां हैं, क्या कुछ दिख रहा है अयोध्या में इस समय, दिखाइए जरा। बिल्कुल प्रियंका, देखिए मैं इस वक्त राम की पैड़ी के ठीक सामने सरयू तट है वहां पर हूँ, स्वर्ग द्वार घाट है ये, और मैं चाहता हूँ कि आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए और समझिए कि ये एक ऐसा मौका है कि सरयू की जो लहरें हैं कहीं ना कहीं
उनमें भी वो भाव नजर आ रहे हैं कि आज प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा। और ये अयोध्या के कणकण में इस बात की खुशी है और ये शायद यही खुशी आप देखिए तो सरयू में भी नजर आ रही है, क्योंकि का इंतजार रहा है 500 वर्षों का लंबा इंतजार रहा है जिसके बाद ये घड़ी आई है, शुभ घड़ी आई है। तो इस घड़ी को कोई चूकना नहीं चाहता है। और आप समझिए कि किस तरह से अयोध्या में जो अयोध्यावासी हैं उनके अंदर खुशी है। लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अयोध्या में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी घट रहा है, वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। तो आप ये जो सीधी तस्वीरें देख रहे हैं ये सरयू तट की है, ये स्वर्ग द्वार घाट है, ये बिल्कुल राम की पैड़ी के ठीक सामने है। और अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री की, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री दिल्ली से निकल चुके हैं और कुछ ही देर में वो लखनऊ पहुंचेंगे और लखनऊ के बाद सीधे वो अयोध्या आएंगे, जहां सबसे पहला जो दर्शन होगा वो हनुमानगढ़ी जाएंगे, भगवान श्री हनुमान का दर्शन करेंगे और उसके बाद रामलला जाएंगे। तो आप अंदाजा लगाइए, ये सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का माहौल पूरी अयोध्या में होगा। हमारे साथ तमाम लोग भी हैं, बात करेंगे, संत समाज के लोग हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? जी मैं आजाद रविराज सिंह योद्धा जी। तो कैसा महसूस कर रहे हैं अब आज भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास होगा? देखिए जिस तरह से आप अति उत्सुकता में प्रश्न नहीं कर पा रहे, इस तरह से जवाब देना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, किंतु ये समझ लीजिए कि जो भाव हैं उनको व्यक्त करने के लिए आज शब्द नहीं मिल रहे हैं। ये जो मेरे जो बाल हैं इनको लगभग 14 वर्ष पूर्ण होने को है, मेरा स्कूलिंग मेरा कॉलेज सारा इसमें हो गया। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बन जाएगा तब तक मैं अपने केश दान नहीं करूंगा, अपने केश नहीं कटाऊंगा। हम वो पीढ़ी हैं जिसने 492 सालों के पश्चात एकमात्र ऐसी पीढ़ी जो भगवान राम के मंदिर का निर्माण होते हुए हम देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़े इतिहास के हम साक्षी बनने के लिए जा रहे हैं। तो आप और हम वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जो आज ये अप्रतिम समय देख रहे हैं। तो भावों को प्रस्तुत करने का जो विषय है वो तो कहीं रह नहीं जाता, बस ये है कि आज आनंद ही आनंद है। ये देखिए प्रियंका, ये अपने आप में बड़ी बात है कि जिस तरह से जो ये युवा संत हैं ये बता रहे थे कि 14 साल हो गए इनको, इन्होंने अपने बाल नहीं मुंडवाए हैं। इनकी एक प्रतिज्ञा थी कि जब तक भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक हम वो बाल नहीं मुंडवाएंगे। और ऐसी ही तमाम, आप देखिए तो तमाम बातें ऐसी हैं, तमाम कहानियां अयोध्या के आसपास प्रचलित है। एक गाँव है यहाँ पे, क्षत्रियों का गाँव है, और उस गाँव का कोई भी व्यक्ति पैरों में अपने चप्पल या जूते नहीं पहनता है, इस प्रतिज्ञा को लेकर कि जब तक भगवान राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा तो वो जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग हैं बात करने के लिए। महात्मा जी, हाँ जी, बहुत खुशी का क्षण है ये जी, भगवान राम के मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। हाँ। तो आप क्या कहेंगे इस ऐसे मौके पर? बड़ी खुशी की बात है, राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। 1992 में जब से कार सेवा चला, 1906 दिसंबर 1992 को जैसे ही कार सेवा चला, तुरंत जो है तमाम सी लाशें जो है ये एम्बुलेंस गाड़ियां ढोने लगी, बोलती हुई गई। आज वो सौभाग्य घड़ी है कि प्रधानमंत्री की गाड़ी हार नेती हुई आएगी, शुभारंभ करेगी राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और सन का अधिक नार नहीं सराही, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनिहाही, सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। सनकादिक नारद जी सनकादिक जी की सराहना करते हैं, यद्यपि सनकादिक जी ब्रह्मनिष्ठ पुरुष हैं, वो नारद जी बार बार जो है अयोध्या आते हैं और भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन देख करके वो ब्रह्मलोक के जाते हैं। यद्यपि सनकादिक जी ब्रह्मनिष्ठ पुरुष हैं, महात्मा हैं, योगी हैं, तो वो ब्रह्म समाज को छोड़ करके भगवान राम के लीलाओं का गान सुनते हैं। ऐसे ही आप लोगों के माध्यम से ये पूरा विश्व जानेगा, ये पूरा संसार जानेगा कि जो है अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना हुआ है। ये विश्व का जो है सनातन धर्म का अनुसंधान केंद्र होगा और जिसके प्रभाव से पूरे विश्व में झंडा फहराएगा पूरे विश्व में। प्रियंका, आप सुन रही होंगी कि ये लोगों के अंदर की भावनाएं हैं, कि लोग किस तरह से भाव में डूबे हुए हैं, सबके अलग अलग भाव हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कोरोना संक्रमण को लेकर ज्यादातर लोग घरों में हैं, अयोध्या बाहर के लोग अयोध्या नहीं आ पाए हैं। तमाम सरकारी, चूंकि एक प्रोटोकॉल था सरकार की तरफ से और WHO की तरफ से भी प्रोटोकॉल है कि कहीं क्राउड में भीड़ में आप ना खड़े हों, लेकिन ऐसे मौके पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी हम लोग अयोध्या में हैं और ये लगातार
बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं देश भर के लोगों को जो अपने घरों में बैठे हैं कि अयोध्या में आखिर क्या कुछ हो रहा है। हमारे साथ और भी साथी हैं जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब पूरे संसार के लोग, पूरे विश्व के लोग जो है ताजमहल देखने नहीं जाएंगे, वो हमारे भारत की संस्कृति की धरोहर नहीं है। हमारे भारत के संस्कृति के धरोहर सनातन धर्म के अनुकूल होती है, वो होगा भारत में, पूरे विश्व में श्री राम मंदिर बनकर तैयार होगा, तब पूरे विश्व के लोग अयोध्या आएंगे, श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करने, राम मंदिर का दर्शन करने के लिए आएंगे। सरयू किनारे क्या क्या चल रहा है, हम आपसे पल पल की जानकारी लेते रहेंगे। जब जब आंदोलन की बात होती थी तब डर इस बात का रहता था लोगों के मन में, नेताओं के मन में और इसकी अगुवाई करने वालों के मन में कि कहीं इसका मतलब कुछ और ना निकले। किसी धर्म की लड़ाई ये नहीं थी, ये आस्था की लड़ाई थी। और आज भी चाहे वो ताजमहल है, चाहे वो किसी की भी जगह पर बनी मस्जिद, किसी की धर्म का आस्था का सवाल है तो उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए। लेकिन मंदिर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उस पर भी लोगों से यही कहा गया कि संयम के साथ इस मामले में आगे बढ़ें, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला था जिसके सबूत पेश किए गए कोर्ट में, जहां से दरवाजा खुला कि राम लला के लिए एक जगह होनी ही चाहिए। लेकिन अंशु जी, इससे पहले आप जो कह रहे थे कि अब समय यह है कि मंदिर से आगे बढ़कर हम ये देखें कि हमारे राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर क्या हम वैसा कदम उठा सकते हैं जिससे राम राज्य की कल्पना भी आगे चलकर एक जो सपना है उसको सच किया जाए। क्या चीजें आपको लगता है कि आड़े आती है इसमें, क्योंकि जब राम मंदिर का आंदोलन भी शुरू हुआ किसी ने सोचा नहीं होगा कि कितने दशक चलेगा, लेकिन आज वो सपना आंखों के सामने सच हो रहा है तो लगता है कि कुछ और संकल्प ले लेने चाहिए ऐसे मौके पर। बिल्कुल प्रियंका जी, मैंने पहले ही कहा कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी जी। इसमें जहां भी आप देखिए, जब भी आंदोलन हुए या जब भी इस तरह के अभियान चले, आज निर्णय जो आया है उसके पीछे माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है, और जब जब माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय आए हैं, न्यायालय के निर्णय आए, जब भी ताला खुला न्यायालय के निर्णय से खुला, वो जब पूजन शुरू हुआ वहां पर भगवान राम लला की जो मूर्तियां थी उनका, तब भी न्यायालय के निर्णय से शुरू हुआ, तो सारे निर्णय न्यायालय से हुए। और ये भारत के सभी मैं देशवासियों को, भारत के वासियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने संविधान को प्रथम माना है, न्यायालय को प्रथम माना है, राजनीति के ऊपर उन्होंने और धर्म के ऊपर उन्होंने भारत के संविधान को माना है। जब तक संवैधानिक रूप से निर्णय नहीं आ गया लोगों ने इंतजार किया जी। आज कुछ राजनीतिक दलों ने इसकी राजनीतिक रोटियां भी सेकी, आज वो अर्श से फर्श और मतलब सत्ता के शिखर पे भी पहुंचे, लेकिन ये बात सही है कि आज जो वाकई में इस आंदोलन को चलाने वाले लोग थे, जिनकी ईमानदार सोच थी कि इस मामले का हल निकलना चाहिए, उसको लेकर बहुत बार ये बातें निकल के आई, चाहे श्री राजीव गांधी हो, श्री नरसिम्हा राव जी हो या दूसरे अशोक सिंघल जी हो, उन लोगों ने इसको ईमानदारी से सोचा कि इस मामले का ईमानदारी से हल निकलना चाहिए, और इसको लेकर उन्होंने जो एक कानूनी प्रक्रिया था उसका पालन करते हुए लड़ाई लड़ी, और उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से आज मंदिर का भूमि पूजन पूरा। रामराज की जो बात है, बिल्कुल जब जब राजनीति में धर्म आएगा, राजनीति में धर्म रहेगा तब तब रामराज रहेगा, धर्म पे जब जब राजनीति होगी, क्योंकि आज कुछ दल ऐसे हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे, जो धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते, क्योंकि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कहु नहीं प्याम। तो सवाल यह है कि कोई पीड़ित ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई अस्वस्थ ना हो। आज आप देखिए कि चारों तरफ आपके न्यूज चैनल पे भी आज का भूमि पूजन का विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए हम आज सब उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन आपके न्यूज चैनल पर ही चल रहा है कि इस समय कोरोना की महामारी में किस तरीके से अव्यवस्थाओं का आलम है, अर्थव्यवस्था की क्या हालत हो चुकी है, बेरोजगारी की क्या गति हो चुकी है, किस तरीके से लोगों पर अत्याचार हो रहा है, सरकारें अत्याचार कर रहे हैं, ये रामराज की परिकल्पना नहीं। रामराज की परिकल्पना जहां सभी आपसी सद्भाव, आपसी प्रेम, आपसी भाईचारे के साथ रहे, ये रामराज की परिकल्पना है। सवाल का जवाब हम लेंगे शशिकांत तिवारी जी से, लेकिन एक चीज है जो आप भी अच्छे से इस बात से सहमत होंगे कि कोई भी पार्टी कितना भी धर्म पर बोलने से बचना चाहे, गाहे बगाहे धर्म पर अपने अपने हिसाब से सब टिप्पणियां करते हैं। आप कांग्रेस की तरफ देखेंगे तो आधी कांग्रेस कहेगी कि राम जन्मभूमि के लिए पूजन हो रहा है, इससे बढ़िया बात क्या होगी, चलिए
सभी मिलकर कहते हैं कि रामनगरी है, अयोध्या है, इसको पहचान मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ कांग्रेसी ऐसे भी हैं, और आप लोग भी जानते हैं कि चुनावों के समय आप खूब कहते रहे अभी नहीं मंदिर का समय, मंदिर के समय, मंदिर का नाम चुनावों में मत लीजिए। बट ये तो सच है कि 80 के दशक में चुनावों के समय ही राम मंदिर को आंदोलन बनाया गया। कुछ लोगों ने फ्रंट फुट पर आकर कहा कि हाँ हम राम में आस्था रखते हैं, कुछ लोगों ने दबी जुबान में कहा। तो राजनीति में धर्म का बार बार चर्चा होती रही और कई दशकों से हो रही है। ये अंशु अवस्थी तक लगता है आवाज नहीं जा रही है, लेकिन शशिकांत तिवारी जी, अब तो आगे बढ़ेंगे आप, मंदिर का मुद्दा तो मुद्दा नहीं रहा, अब तो ये पूरी तरह से तय हो गया कि अब यहां पर मंदिर बनेगा, तो अब आगे क्या रामराज की बात होगी? बिल्कुल होगी, और आज से शुरुआत हो गया, रामराज का शुरुआत हो गया। आज पूरे देश में देखिए कितना उत्सव का माहौल है, कितना लोग उल्लास में है, हर्ष का विषय है। और आज से लग रहा है कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग किस प्रकार जश्न मना रहे हैं। हाँ, रामराज की बात क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी। रामराज में वो भी बात होगी कि जो भी असुरी शक्तियों को राम ने अपने राज्य को स्थापित करने के लिए असुरी शक्तियों का पहले उन्होंने वध किया, उस प्रकार के असुरी शक्तियों से निपटा जाएगा। उसके बाद से लोगों के सुख और शांति की व्यवस्था होगी। और रामराज की स्थापना जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, जब से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, तभी से शुरुआत हो गई रामराज की। आज और प्रतिबद्धता मिलेगी इस सरकार को, जो भी हमारे हमारे सरकार चलाने वाले नेता हैं, इनको आज वो प्रतिबद्धता मिलेगी कि रामराज का राम मंदिर का शिलान्यास से वो आज अपने को वो शक्ति लेंगे कि हाँ, रामराज स्थापित करने में हमें, हे प्रभु श्री राम, हमें शक्ति दीजिए ताकि असुरी शक्तियों का नाश हो और देश में अमन चैन कायम हो और पूरा देश। अब हमें एक चीज आपसे कहना चाहूंगा प्रियंका जी, कि यह देश सिर्फ 14 साल से अन्य धर्मों के लोग आक्रांता बन के आए। पहले यह देश राम का था, यह कृष्ण का देश था। आज हमारी सभ्यता जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, हिंदू धर्म की सभ्यता सबसे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, जिसने लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया, इसके साथ साथ हमारी जो सभ्यता है सबसे मानवीय आधार पर हमारी सभ्यता है। राम ने उन चीजों को और स्थापित किया, श्री राम ने अपने जीवन काल में उसको स्थापित किया। वो वही श्री राम से हम लोग, हमारी सरकारें और हमारे लोग, हमारे देश की जनता, हमारे हिंदू भाई, उनसे प्रतिबद्धता लेते हुए राम राज्य की स्थापना में सरकारों को सहयोग करेंगे, लोग भी सहयोग करेंगे, सरकारें भी इसको स्थापित करेंगी और राम राज्य आएगा हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में ही नहीं, ठीक है, हम अन्य शशिकांत जहां हमारे हिंदू रहते हैं अन्य देशों में भी किस प्रकार से हिंदू आगे बढ़ रहे हैं। कि रामराज तो तभी शुरू हो गया जब योगी जी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई। कौन से रामराज की आप बात कर रहे हैं? या तो फिर आप उस अध्याय को समझना नहीं चाहते कि रामराज का मतलब क्या होता है, या फिर आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि आप कुछ संकल्प ले रहे हैं रामराज का, तो माना जा सकता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में रामराज आपने कायम करने की कोशिश की, ये तो दूर दूर तक नजर नहीं आता है। पुष्पेश जी, क्या ये रामराज की परिभाषा है जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है, या नेताओं को अपने हिसाब से लगता है कि रामराज है जो चल रहा है इस समय? अभी राम राज के लिए जैसे सारे लोगों ने हमारे राम मंदिर के लिए दृढ़ संकल्प थे, इसी तरह से अब हमारे देश से कुरीतियों को मिटाने के लिए राम राज के संकल्प करना पड़ेगा। अभी लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा कि राम राज में क्या होना चाहिए। राम राज में सभी के साथ एक सम व्यवहार होना चाहिए, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, सब हम एक मनुष्य हैं। और इसमें जब ये भावना सबके अंदर जागृत हो जाएगी और सबकी पीड़ा को सुनने का और समझने की शक्ति सबके अंदर आ जाएगी हमारे समाज के अंदर, तब रामराज की स्थापना होगी। क्योंकि प्रभु ने कहा कि जहां पे सत्संग जब होने लगता है, जहां पे विद्वान लोग इकट्ठा होते हैं और वहां से वो असहाय लोगों के लिए अपने मन से सोचते हैं, अपने मन से, जैसे इस समय महामारी कोरोना चल रही है, तो बहुत से दानी लोग जो निसहाय लोग हैं, जिनके यहाँ अन्न नहीं है उनके अन्न पहुंचा रहे हैं, उनके यहाँ दवाइयां नहीं है उनको दवाइयां पहुंचा रहे हैं। ये है राम राज्य की स्थापना का दारू।
इस तरह से असहायों की सेवा करना और सभी के साथ समव्यवहार करना रामराज की स्थापना। ठीक है, सीधा लखनऊ से जिस तरह से प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे, वहां अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से तैयारियां चल रही हैं, लेकिन कुछ ही मिनट का इंतजार बचा हुआ है। अनूप त्रिपाठी समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं अयोध्या से। अनूप त्रिपाठी, जहां पर आप मौजूद है वहां क्या इस समय नजारा है, क्योंकि हर तरफ अयोध्या के अलग तरह की अलौकिक छटा दिख रही है, अलग ही सुंदरता दिख रही है। अयोध्या में ऐसा महोत्सव या ऐसा उत्सव का समय आए, ये भी एक सपना ही था जो आज आंखों के सामने दिख रहा है कि अयोध्या को सजाया भी जा सकता था, सवारा भी जा सकता था, और अयोध्या को जिस तरह से मंदिर निर्माण के दौरान इतनी तवज्जो मिल रही है, इससे पहले शायद कभी नहीं मिली। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है प्रियंका, कि आज अयोध्या को सब कुछ मिल रहा है। आज अयोध्या का हर आदमी, वो साधु और महात्मा की ही बात हम नहीं कर रहे हैं, हर आम और खास आम जनता है, वो किसी भी क्षेत्र के किसी भी फील्ड के लोग हैं, आज वो बहुत खुश हैं। आज का दिन वाकई लग रहा है कि कलयुग में त्रेता का वो समय आ गया है जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या में फिर से लौटे थे। तमाम लोग हैं, मैं श्री राम जन्मभूमि पर जो जाने का रास्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, साकेत कॉलेज पे वहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरेगा अब से करीब 1.25 घंटे बाद, वहाँ से थोड़ी दूर पर हम हैं। तो यहाँ पर तमाम आमतौर पर तो पूरी तरह बैरिकेटिंग है, अयोध्या के आम आदमी को निकलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जो कुछ लोग निकल रहे हैं उनसे हमने आज सुबह से जितने भी लोगों से बात करी, एक अजब खुशी है, एक अजब संतुष्टि है और एक अजब उत्साह है प्रियंका उनके साथ। हम एक सवाल प्रियंका लेंगे, हमारे साथ अयोध्या की एक स्थानीय वासी है और ये नेशनल कबड्डी प्लेयर रह चुके हैं। प्रियंका, आप प्लेयर भी रह चुके हैं, नेशनल कबड्डी प्लेयर, आज का दिन कैसा महसूस कर रहे हैं और आपके दिल में क्या आ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? आज का दिन तो सबसे बड़ा गौरव का दिन है कि आज ये ऐतिहासिक पल के हम लोग साक्षात गवाह हैं, और हम लोगों के आज से 30 वर्ष के पहले जो अयोध्या थी, हम लोग अयोध्या का नाम बोलते थे तो लोग कहते थे आप फरीदाबाद से हैं, कुछ और बोलते थे, लेकिन आज अयोध्या एक विश्व स्तर पर, विश्व के पटल पर आज अयोध्या है, इसका हम लोगों को बहुत बड़ा गर्व है और हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, यहीं पे हम लोगों की जन्म हुआ। अयोध्या तमाम सालों से हम देख रहे हैं, कई दशक से हम देख रहे हैं कि अयोध्या में विकास जो है विकास से महरूम थी, विकास नहीं हो पा रहा था, क्या आपको लगता है कि अब विकास होगा? नहीं, ये तो सत्य है कि क्या नाम है कि अयोध्या का विकास नहीं, आते जो भी पार्टियां हैं उन्होंने क्या नाम है यहाँ का केवल राजनीतिक लाभ लिया है, और अब इस क्या नाम है कि मोदी की जी की सरकार में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, वास्तव में क्या नाम है कि पिछले 4-5 वर्षों से ही अभी इसको विकास को देखा जा रहा है, अब तक अयोध्या को केवल यूज किया गया, लेकिन अब इस सरकार से हम लोगों को उम्मीद है कि जो ये अयोध्या के कण एक स्मार्ट सिटी के रूप में हम लोगों के, क्योंकि ये स्थानीय निवासी हैं, आप गलियों का दौरा करेंगे, आज वहाँ की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जो आप लोग हकीकत देख रहे हैं, लेकिन हम लोगों की ये मांग है कि लेकिन उस तब की अयोध्या में आज की अयोध्या में जमीन आसमान का अंतर है। और आसमान का बिल्कुल प्रियंका एक बात कही है, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और नेशनल प्लेयर भी रह चुके हैं, लेकिन इनका कहना है कि अब तक अयोध्या को यूज किया गया है, अब लेकिन लोगों की जुबान पर अयोध्या तो था लेकिन किसी मकसद के साथ था, उस मकसद को पूरा होने के बाद तो अब अयोध्या मांगता है कि उसका भी विकास हो, उसका सौंदर्यकरण हो, उसको उस तरह से तैयार किया जाए ताकि जब जब राम मंदिर का नाम आए तो राम नगरी की सुनहरी तस्वीर आंखों में आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शशिकांत तिवारी जी, अंशु अवस्थी जी और पंडित पुष्पेश मिश्रा जी।